और हाथ पैर से लगे थे कि पता नहीं कितना कमजोरी वीकनेस लगा, खून उन सब सूख गया है भैया। हाँ, वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही है और पेट में दर्द रहा था। हाँ, हमेशा नहीं रहता है। हाँ, जब लेटिन हुए तो दर्द हुए भाई, बातों को देर हुए फिर वे बाद आराम, या फिर भूख लगी है तो दर्द हुए लगे। अच्छा, कहाँ दर्द होता पेट में? यही पैसे हुए निकाला और क्या दिक्कत है? सब बता दीजिए तब दवाई लिखे तो ठीक हो जाए। हाँ बताओ और क्या, जैसे जो हो सब बताए। पहले कौन ज्यादा हुआ वो बताओ खुल के कि दिक्कत कहाँ से हुआ था। वही इंटरनल ब्लीडिंग जो है, जब ये बीमार थे तभी से बढ़ी है। हाँ। पहले दो तीन दिन रहता अभी दो तीन दिन है, कभी कभी चार पांच दिन, लेकिन दो तीन दिन बहुत ज्यादा रहता है, फिर उसके बाद हल्का हो जाता है अपने आप। और कभी कभी दो दिन तीन दिन बाद अपने आप खत्म हो जाता है, कभी कभी चार पांच दिन दिखाई देगा बस हल्का रहेगा, लेकिन दो दिन तो बहुत ज्यादा रहेगा। पहले था तो बहुत नॉर्मल आता था, लेकिन कोई परेशानी नहीं थी। तो ये तो सालों हो गया ना आपको बीमार? सालों क्या, चार साल हो रहा है। 20 कोरोना के जट पहले तो तब से ये ब्लीडिंग आपको ज्यादा हो रही है? बहुत ज्यादा होती है। और रहता दो ही तीन दिन है तो क्या उससे क्या आपको लगता है? वीकनेस वही लगती है बस, और कुछ नहीं लगता है। और यही लगता है आंखें सामने से अधेरा अगर आ रहा है तो इतना वीकनेस आंखें सामने अधेरा सा लगता है, लेटे रहता आराम रहता है, जैसे उठो लगता है अधेरा सा दिख नहीं रहा है। तभी भी लगता है। और इसको लेके बाकी जो है ये तबियत इधर कब से खराब हुई है आपको? 22 तारीख से। उसके पहले ठीक ठाक? हाँ, उसके पहले ठीक ठाक था। अच्छा, तो क्या मन में मतलब 22 तारीख को आपने क्या किया, दवाई क्या लिया आपने उसके लिए? तो ये तो लाए नहीं, वो एलोपैथिक दवा लाए हैं और बाकी आप जो दिए हैं। तो क्या उसमें क्या मन में आता है, क्या दिमाग में कुछ? जैसे बस लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही, शरीर संभल नहीं रहा है। हाँ, और पता नहीं कैसे सेहत हुआ था, ऐसे लगता है कुछ कुछ मतलब धस चुभ नहीं रहा है, लेकिन लगता है जैसे कि कुछ खून खींच ले गया है। हाथ में कुछ है नहीं, हाथ पैर में बस ऐसे लगता है, हाथ पैर में कुछ है नहीं। लेटे रहो बड़ा आराम है, जब चलो लगता है जैसे शरीर संभल नहीं रही है, लेटे रहो बैठे रहो बैठे रहो तब भी आराम है, लेकिन बैठे बैठे फिर मन करता बस लेट जाए, बैठे ना ज्यादा देर बैठने की मन नहीं। अच्छा, लेटने का मन करता है। और बस यही सब है, आँख से भी धुंधला दिखाई दे रहा है, जब ये तबीयत खराब होती है लगता है जैसे आँख से धुंधला धुंधला पानी पानी लग रहा है, पानी आ रहा है, हमें दिखाई कम दे रहा है, मुंह पता नहीं कैसे भर आता है, ओठ पोट से सूखा रहता है हमेशा। तो इसको सबको लेके क्या आता है? तो तकलीफ को लेके मन में क्या आता है, दिमाग में क्या आता है, वो बताएंगे तभी बढ़िया से दवाई हो पाएगी। मन में क्या आता है, क्या मतलब है? समय कम है लग रहा है बस, और क्या यार बीमार है लागत बचा अपना। क्या लगता है? यही लगता है कि इसे बचने का समय नहीं है। अच्छा, डॉक्टर सुबह निकले शाम के चला गया, आप मत बोलिए बिल्कुल। तो ये मन में आता है कि क्यों ऐसा आता है? अब अभी देखिए बैठे हैं आपके पास, लगता है अंदर से कुछ, यहाँ सब अंदर अंदर लग रहा है कुछ खींच रहा है। तो डर लगता है मरने से? क्या लगता है? डर नहीं लगता है, जिम्मेदारी खत्म, कोई चिंता नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, सब सेटल हो जाएंगे अपने आप। मरने से नहीं लगता। तो ये लगता है कि मतलब वो ख्याल आता है, ये आ जाता है। और क्या आता है ख्याल? और क्या आता है मन में चिंता? नहीं, होटल से नहीं। सर जिस दिन ये हमारे उल्टी पलटी खोपड़ी जाते ना, 9 वो जो जन्माष्टमी थी अगस्त में, तब उसके ये उसी दिन जस्ट 1 बजे रात में हमको पेट में से जलन हुआ है, बताना आपको भूल गए, जैसे कुछ खाते कभी कभी अपने यहाँ पे कुछ भी तेल मसाला नहीं खाए तब भी खाए, पेट में जलन होने लगता है, कुछ देर जलन होगा फिर गैस बनेगी, फिर अपने आप फिर आराम हो जाएगा। तो उस दिन भी ऐसे हुआ, पलटी हुई थी तो शुगर हमारा बढ़ा हुआ था, बाकी हमारा शुगर नॉर्मल रहता है। चेक करवाए हैं तो खाली पेट फास्टिंग वाला 120 तक गया है, खाने के बाद वाला 140 गया है, चेक करवाए हैं।
और फिर अभी 22 तारीख को रात में से एक एक उसमें बची और मुंह में ऐसा लगता है पानी सा भर रहा है, जैसे लार भर रही है अपने आप से, बगल बगल से निकल रहा लग रहा है, जैसे लार लग रहा है, जैसे बोतल से निकल रहा है, जैसे आदमी कभी बोलता है निकलता है, वैसे बिना बोले अपने आप लगता है लार निकल रही है। फिर यहाँ दर्द जलन हुई है, यहाँ से लार सा निकलता है, फिर लगता है जब पित्त बना है, जबकि पित्त की थैली निकल गई है, लेकिन हमको महसूस ऐसे ही होता है। फिर सिर और पता नहीं कैसे भारी होगा, तो इतना जल्दी भाग के जाओ तो फिर पलटी हो गई, उल्टी हो गई। फिर उसी के बाद से यह तबीयत जैसे लग रहा है जैसे बिगड़ती ही जा रही है, जैसे अपना शरीर मतलब कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही है। जब से वो ये हुआ उसके बाद से 22 तारीख से उसके बाद से ये लग रहा है 30 तारीख को रात से तो थकान बहुत जल्दी। ये विचार मन में कब से आ रहा है, जब समय खत्म जब से जान गया इन्फेक्शन है, मतलब दवा नहीं ले रहे हैं, दवा नहीं ले रहे मतलब इन्फेक्शन 22 तारीख को बताया कि इन्फेक्शन है आपके ब्लड में। हाँ। तब से लगता है जब इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन तो किसी भी चीज का खतरनाक ही होता है, अगर उसका इलाज ना किया जाए तो बढ़ेगा ही। तो दवा नहीं ले रहे का मतलब दवाई तो आप ले रही थी अंग्रेजी? नहीं, वो इन्फेक्शन की दवा नहीं दी थी, जो पलटी हो रही थी पेट दर्द उसकी दवाई और शुगर की भी नहीं ली। तो दवा क्यों नहीं ले रही, यही पूछ रहे हैं। आपके पास लेके आएंगे तब दवा करवाएंगे, इनके पास समय ही नहीं था, होम्योपैथी दवा कराएंगे, एलोपैथी नहीं कराएंगे, आपके पास आएंगे पास नहीं। ये लग रहा है आपको ये इन्फेक्शन है और दवाई मेरी हो नहीं रही है, यही बात है ना? दवा नहीं हो रही है और इसकी वजह से जो है अब नहीं होगी तो फिर बढ़ जाएगा इन्फेक्शन, बढ़ जाएगा, कोई इलाज नहीं रहेगा। इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो कौन सा इलाज है? बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके लिए क्या दोषी मतलब मान रही है? हमको पूरी बात बताएंगे तो हम आपको ठीक कर। माँ बाप तो चले गए, ये नहीं जैसे जैसे ये है इसके लिए किसका दोष मान रही है? अपना मान रहे, किसका मान अपना क्यों मान रही है? इलाज तो उनको कराना है, कर्म है हमारा, नहीं तो एक दिन में सुन लेते हैं, नहीं कर्म हमारा नहीं सुन रहे हैं। थोड़ा गुस्सा है भैया के ऊपर, थोड़ा अपने ऊपर भी है, अपने कर्म के ऊपर है। कर्म मतलब वही मतलब जैसे हमारा अगर भाग्य अच्छा है तो एक बार कहते हैं हर काम छोड़ के लेके आते, दिला देते, इलाज करवा देते हमारा। हमारा कर्म खराब है तो वही कह रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, उनके पास समय ही नहीं है, बस एक है। हालो पहले लीजिए तब फिर करते हैं इसका। पोस्टमार्टम करते हैं उसके बाद। अब इस समय कैसा लग रहा है दवा पीने के बाद? आराम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। दवा पीने के पहले क्या तकलीफ लग रही थी? लग रहा था इससे मंत्र मानसून से दर्द सा हो रहा था। हाँ। लग रहा है पित्त बनता है, पानी मुंह में आता है, उस तरह से आ रहा था, फिर यहाँ अंदर से खींच रहा था। हाँ, अब कैसा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है। अब कुछ नहीं लग रहा है। वीकनेस का क्या है इस समय? कुछ नहीं लग रहा है। अभी पहले से कुछ हल्कापन, भारीपन या अच्छा या बुरा? नहीं, पहले से कुछ अच्छा लग रहा है। कुछ अच्छा लग रहा है, दवा बना दे रहे हैं। और शुगर का ये जो है बढ़ा हुआ है तो मीठा बिल्कुल नहीं खाएंगी, कोई शुगर की दवाई अभी नहीं चलेगी, यही दवाई चलेगी होम्योपैथिक वाली, इसी से ठीक होगा। लेकिन इन्फेक्शन की दवा हम दे रहे हैं, आप क्या परेशान? अब हेलो, आवाज आ रही मेरी लाउड एंड क्लियर? अभी आज हम लोग, हाँ अभी आज मैंने ये थोड़ा सा समय अभाव के लिए मैंने सोचा था कि आज बहुत ज्यादा एनालिसिस ऐसे नहीं लेंगे, करेंगे सीधा केस करेंगे और उसके बाद फिर उसका हम अपनी तरफ से एनालिसिस देंगे, उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेरीज लेंगे और अगर समय बचा तो एक रूब्रिक जो इसमें है उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे उसमें जो मेडिसिन है उसको करेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ बोलना है तो फिर वेलकम है। इस केस के रिगार्डिंग और कुछ नहीं, रिगार्डिंग दिस केस। बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, सही मेडिसिन तो बहुत लोग पहुंचे हैं और वो मेडिसिन आ भी गई है, लेकिन मेडिसिन आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात नहीं है, वो एक डेस्टिनेशन है। आपके लिए खुशी की बात हो सकती है कि आपको लगा कि आपने सही मेडिसिन निकाल ली, लेकिन नहीं, वो एक डेस्टिनेशन है
हमको रास्ता सही पकड़ना है। मेरा ये मानना है कि हम जो है जहां से शुरू, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो केस टेकिंग है, सेकंड पार्ट एनालिसिस है, थर्ड पार्ट सही रूब्रिक का सिलेक्शन है, उसके बाद मेडिसिन आती है। तो बाकी लोगों का होगा कि वो सही मेडिसिन निकाल लेते हैं तो उसके लिए, लेकिन मेरा ये है कि सबसे नंबर एक पे आपको केस टेकिंग अपनी इतनी इम्प्रूव करनी है कि आप जितनी लंबी केस टेकिंग करोगे, मैं उतना कंफ्यूज होता हूँ, और जितना छोटा केस टेकिंग मेरी अपनी रहती है उतना आसानी रहती है मुझको। क्योंकि जितनी देर आप बात करोगे, बात की बात निकलेगी, और उन बातों में आप फिर रूब्रिक में उलझोगे, तमाम गलत रूब्रिक जाएगी और आपको वो गलत रास्ते पे ले जाएगी। ऐसा लोगों ने किया है, एक दो रूब्रिक, तीन रूब्रिक सही लिया, उसके बाद एक दो गलत रूब्रिक लेकर के वो पहुंच गए। मैंने उस पर इंडिकेट भी किया, इसलिए मैंने ये केस में 2 दिन लिया कि लोग करें, और करते सही समय देखिए मैं रेगुलर आप मतलब स्क्रीन पे था, और जहां जहां पे चीजें थी मैं उसको वहीं से थोड़ा सा करता, मतलब थोड़ा सा उसको करेक्ट करने की कोशिश करता था। तो अभी आगे करें ना, केस एनालिसिस करें हम, कि किसी को कुछ बोलना है? चलिए एनालिसिस करते हैं अभी इस केस की। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसको फिर से सुनिएगा, इस केस को, केस टेकिंग वाला पार्ट आप देखिए कि मैंने कब कहाँ कितना क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है, और क्या क्वेश्चन पूछा है। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको जो आपका जो क्वेश्चन है वो गोल्ड है, उसको आप समझिए कि आप हीरा खर्च कर रहे हो, पेशेंट की झोली में डाल रहे हैं, तो उसको बहुत किफायत से और बहुत जहां जरूरत हो वहीं डालिए। ठीक है, ये बंदे, ये जो जो महिला है ये एक रिच फैमिली से है, हमारे यहाँ विधायक जी हैं, उनकी मौसेरी मतलब मौसी के लड़के की वाइफ है, और इसको पिछले 4 साल से जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो है, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि उस समय उसको इतनी वीकनेस आ जाती है कि उसको जो है मतलब धुंधला दिखाई देने लगता है, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन वो 4 साल से कुछ नहीं कर रही। एक पार्ट तो ये हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसर्न, हमको जानना है, जब हम पूछते हैं कंसर्न क्या है, पेशेंट क्यों आई है दवाई लेने, जब 4 साल से उसको दिखाना नहीं है, आज क्यों उसको अचानक ये आ गई दवा लेने। सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है, यहाँ पे खोपड़ी में आपके कहीं कुछ बजना चाहिए, और फिर आई है तो कैसे आई है, और फिर किस तरीके से आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। 4 तारीख से इसको दिक्कत हुई कुछ नहीं, अभी 22 तारीख मतलब ये 15-20 दिन पहले ये अचानक इतने उसमें आई है कि अभी मतलब जो है इसको तुरंत अप्रोच करना है, तुरंत दिखाना है मुझको। ठीक है ना, तो इसका मतलब इस पार्ट पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसको हमको एक्सप्लोर करना है। 4 साल से पहले, अच्छा देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में ये हंस रही है और इसका टोन दूसरा है, उसके सेकंड पार्ट में उसका टोन दूसरा हो गया है। अभी मैम, सीमा मैम, हेलो, आप सुन पा रही हैं सर, हमको? हाँ सर, हाँ सुन रही हूँ सर, हाँ, अभी देखिए पहले बताइए। पहले पार्ट में ये था कि इसने अपनी तकलीफ बताना शुरू किया, वीकनेस है, कमजोरी है, शरीर से कुछ निकल गया है, ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी। ठीक है ना, वो मेरे लिए 0 है, उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद फिर जो है हमने कहा कि आप हमको अपने मन की बात बताइए, अपने जो जो मन में चला। देखिए पेशेंट को आप जब केस ले रहे हैं, पेशेंट का ट्रेंड है वो अपनी तकलीफ बताएगा, आप उसको बहुत आसानी से बहुत आराम से ये समझाने की कोशिश करिए कि आपको क्या चाहिए, आपको उसके मन में जो चल रहा है वो चाहिए, तो उसको आप धीरे से उसके दिमाग तक पहुंचाइए। ये मैं हर पेशेंट के साथ करता हूँ। तो जब मैंने उससे पूछा तो वो हंस रही है और कह रही है बस यही सब है और क्या है। फिर उसके बाद में हमने कहा नहीं, आप फिर से बताओ कि इसको लेके मन में क्या आ रहा है। फिर वो क्या बोलती है, हंस के बोलती है कि बस समय कम है, बस समय कम है और क्या। अभी मैम इसके आगे थोड़ा सा हम रुक रुक के करेंगे, यहाँ से आप शुरू करिए। लेटने का मन करता है, मुंह पता नहीं कैसे भर आता है, मन में क्या आता है क्या मतलब है, तो तकलीफ को लेकर मन में क्या आता है, दिमाग में क्या आता है, वो बताएंगे तभी बढ़िया से दवाई हो पाएगी। मन में क्या आता है क्या मतलब है, समय कम है लग रहा है बस और क्या। यार बीमार है लागत बच्चा बना, क्या लगता है? यही लगता है कि बचने का समय नहीं है।
सुबह निकले शाम को चला गया अंदर, आप मत बोलिए। हाँ एक पास करिए, ये मन में आता है। ये देखिए अभी हम थोड़ा सा इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे जिससे आप और ज्यादा क्लियर हो पाए कि हम कहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। अभी जब रुक रुक के हम जो जो ऑडियो सुनाते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये हंसी में थोड़ा सा हल्के फुल्के माहौल में बात चल रही है, हम उससे पूछ रहे हैं कि मन में क्या चल रहा है। तो वो डायरेक्ट बोले कि समय कम है और क्या, मतलब हंस के बोले कि समय कम है और क्या। इसका मतलब ये कहीं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपको ये पूछ पकड़ लेनी है। मैं आपको केस टेकिंग बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। अभी अभी आपको ये लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको इसकी आपने पूछ पकड़ ली। अब इसको आपको छोड़ना नहीं है लास्ट तक, इसको ये आपने एक जेम है ये निकाल के आपने किनारे रख लिया। अभी ये हंस के बोल रही समय कम है और क्या, फिर हमने उसको पूछा तो फिर कह रहे कि इसका मतलब मतलब अब मरने वाली या इस तरीके कुछ बोला। इधर से इसका हस्बैंड क्या बोल रहा है बगल से, एमएम थोड़ा सा पीछे लीजिएगा वो वाला पार्ट, 30 सेकंड यही लगता है। रोकना नहीं चाहिए था लेकिन ये मैंने रोक दिया उसको। वो ये कह रही समय कम है और उसके हस्बैंड क्या बोल रहे हैं सामने से कि डॉक्टर साहब हम तो सुबह निकलते हैं और चले जाते हैं फिर शाम को लौट करके आते हैं। तो हमने कहा अभी आप बीच में मत बोलिए, ये हाईलाइट करिए इस चीज को, ठीक है ना। एक पॉइंट ये नोट करिए अगर कलम कॉपी है तो, ठीक है। अब आगे बढ़िए। मैंने फिर उसी को पूछा कि तो ऐसा था। अब अभी देखिए बैठे हैं आपके पास, लगता है अंदर से कुछ, यहाँ सब अंदर अंदर लग रहा है कुछ खींच रहा है। तो डर लगता है मरने से, क्या लगता है? डर नहीं लगता है। रोकिए, हाँ देखिए, फिर ये इसने अपनी डायरेक्शन घुमा दी। अभी बैठे हैं यहाँ पे, अभी लगता है ये सब खींच रहा है। हमने क्या पूछा, अब हमको वो वाली बात खटक रही है ना। हमने फिर पूछा कि क्या डर लगता है मरने से। अभी इसका टोन चेंज हो गया, इसके पहले हंसी थी, अभी इसका फिर से मैं थोड़ा सा वहीं से, फिर से तो डर लगता है मरने से, क्या लगता है? डर नहीं लगता है, जिम्मेदारी खत्म, कोई चिंता नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, सब सेटल हो जाएंगे अपने आप। रुकिए, अब देखिए ये टोन क्या है। अभी जो हंस के बात चल रही थी ये माहौल चेंज हो गया। अभी ये कह रहे हैं कि नहीं डर लगता, डर नहीं लगता, अब जिम्मेदारी खत्म। उसका हस्बैंड उधर से कह रहा अब ही कहां खत्म, ये 45-50 एज की है हम, मतलब ये तो ये है मतलब इसकी एज। तो अभी हस्बैंड कह रहे हैं अभी कहाँ खत्म, मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे मामला गड़बड़ चल रहा है, कहीं ना इस पे हमको फोकस करना है, ठीक है। आगे दुनिया ये लगता है कि मतलब वो ख्याल आता है, ये आ जाता है। और क्या आता है ख्याल, और क्या आता है मन में, चिंता नहीं होता टेंशन नहीं। हाँ मतलब अब देखिए ये लो हो गए, लो चली गई, एक टोन में गुस्सा था लेकिन अभी ये और सैडनेस में जा रही है, ये टोन आप देखिए। फिर आगे बढ़िए मैम। तो वो जो जन्माष्टमी थी अगस्त में, तब उसके ये उसी दिन जस्ट 1 बजे रात में हमको पेट में से जलन हुआ, बताने का आपको भूल गए, जैसे कुछ खाते कभी कभी अपने यहाँ पे कुछ भी तेल मसाला नहीं खाए तब भी खाए पेट में जलन होने लगता है, कुछ देर जलन होगा फिर गैस बनेगी अपने आप, फिर आराम हो जाएगा। तो उस दिन भी ऐसे हुआ, पलटी हुई तो शुगर हमारा बढ़ा हुआ, बाकी हमारा शुगर नॉर्मल रहता है। चेक करवाए हैं तो और फिर अभी 22 तारीख को रात में से एकाएक उलझन बची, मुंह में ऐसा लगता है पानी सा भर रहा है,
जैसे लार भर रही है अपने आप से बगल से निकल रहा लगता है, जैसे लार लग रहा है जैसे बगल से निकल रहा है, जैसे आदमी कभी बोलता है निकलता है वैसे बिना बोले अपने आप लगता है लार निकल रही है। फिर यहाँ दर्द जलन हुई है यहाँ से लार सा निकलता, फिर लक्ष्य से जब पित्त बना है जबकि पित्त की थैली निकल गई है लेकिन हमको महसूस ऐसे ही होता है। फिर सिर और पता नहीं कैसे भारी होगा तो इतना जल्दी भाग के जाओ तो फिर पलटी हो गई, उल्टी हो गई। फिर उसी के बाद से यह तबीयत जैसे लग रहा है जैसे बिगड़ती ही जा रही है, जैसे अपना शरीर मतलब कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही है। जब से वो ये हुआ उसके बाद से 22 तारीख से उसके बाद से ये लग रहा है 30 तारीख को रात से तो थका। अभी ये हाँ चलिए प्ले करिए आप। इन्फेक्शन है मतलब दवा नहीं ले रहे हैं, दवा नहीं ले रहे मतलब इन्फेक्शन 22 तारीख को बताया कि इन्फेक्शन है आपके ब्लड में। हाँ हाँ तब से लगता है जब इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन तो किसी भी चीज का खतरनाक ही होता है, बड़ा अगर उसका इलाज ना किया जाए तो बढ़ेगा ही। तो दवा नहीं ले रहे का मतलब दवाई तो आप ले रही थी अंग्रेजी? नहीं वो इन्फेक्शन की दवा नहीं दी थी, जो पलटी हो रही थी पेट दर्द अच्छा उसकी दवाई और शुगर की भी नहीं दी। तो दवा क्यों नहीं ले रही यही पूछ रहे हैं। कहें आपके पास लेके आएंगे तब दवा करवाएंगे, इनके पास समझ नहीं कहें होम्योपैथी दवा कराएंगे, एलोपैथी नहीं कराएंगे, आपके ही पास आएंगे नहीं। अभी ये जो है ये 22-21 तारीख की रात में इनको कुछ अजीब अजीब सी चीजें लगी, मुंह से लार निकल आ रहा था जो ऐसे चला जा रहा था, पित्त की थैली निकल चुकी है फिर भी पित्त जैसा लग रहा था, और जो है जो जन्माष्टमी के दिन जो कंडीशन हुई थी उसी तरीके की कंडीशन इनको आज फिर लग रही है। कुछ अनइजीनेस लगा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो कुछ ना कुछ है, कुछ वो कंप्लेंट्स अपनी बता रही है। फिर उसके बाद में जांच हुआ, जांच में ब्लड में इन्फेक्शन आया, ये सब चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अभी हमको फिर कहाँ फोकस करना है, अभी फिर और आगे बढ़िए मेरे क्वेश्चन को देखिए, मतलब हम ये कि जब ये बोली इन्फेक्शन है उसके लिए दवा नहीं ले रही, तो फिर हम वहां से पहले पूछे भाई तो दवाई तो आपकी चल रही थी, दवा आपकी चल रही थी, तो ये कह रही कि इन्फेक्शन की दवाई लेकिन नहीं चल रही थी, वो तो उल्टी और इसकी दवाई चल रही थी, इन्फेक्शन की दवाई नहीं चल रही। अभी ये क्या करे, इन्फेक्शन को पकड़ के बैठी हुई है और मैं कहाँ क्या पकड़ के बैठा हूँ वो देखिए आगे चलिए। ये लग रहा है आपको ये इन्फेक्शन है और दवाई ये मेरी हो नहीं रही है, यही बात है ना, दवा नहीं हो रही है और इसकी वजह से जो है अब नहीं होगी तो फिर बढ़ जाएगा इन्फेक्शन, बढ़ जाएगा कोई इलाज नहीं रहेगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो कौन सा इलाज है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसके लिए क्या दोषी मतलब मान रही है, हमको पूरी बात बताएंगे। देखिए हम इससे पूछ रहे हैं, अभी क्वेश्चन देखिए मैंने इससे पूछा इन्फेक्शन के लिए आपकी दवा नहीं हो रही है, इन्फेक्शन के लिए दवा नहीं रही हो रही है तो फिर डॉट 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 अभी अब भरो इसमें, अब मैंने अपना वहां पर छोड़ दिया, दवा नहीं हुई तो फिर तुम्हारा क्या कंसर्न है, वो अपना कंसर्न बताएगी। अभी वो बता रहे कि नहीं होगी तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो फिर इन्फेक्शन का कोई इलाज है नहीं, डॉट 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 उसने आगे फिर छोड़ दिया। अभी इसमें लोगों ने फिर एक्स्ट्रा बैगेंस ले लिया कि बढ़ गया तो मतलब एक्स्ट्रा बैगेंस नहीं, यहाँ पे नहीं रुकना है, बढ़ गया तो उसका कोई इलाज तो है नहीं, जब इलाज नहीं है तो मौत है, अरे निकल जाएगी अजगर निकल जाएगा, इलाज नहीं है तो खत्म। आप देखो ना कि हमने उसको जहां पे थोड़ा सा मतलब फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा, उसने आगे ले जाके मुझे मेरे लिए फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, अभी इसमें तुम बन लो बेटा। अभी ये केस टेकिंग है, ये इसीलिए इसको आर्ट कहते हैं, इसके लिए आपके पास कोई फर्मा नहीं है, इसके लिए आपको हर पेशेंट से अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, ये आपकी स्किल है या आपका स्टाइल है कि आप उसको कहाँ कहाँ लेके जाते हो। वो पेशेंट आपसे बार बार पैर दर्द कमर दर्द बताएगा, आपको कमर दर्द और पैर दर्द से हट के उसको दिमाग पे ले जाना है और बिना किसी कोई लीडिंग क्वेश्चन किए हुए। आगे चलिए मैम आपको ठीक कर बाप तो चले गए नहीं, ये नहीं जैसे थोड़ा ये है, इसके लिए किसका दोष मान रही आपको ना, कौन सा इलाज है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो दोषी नहीं रही है, यही बात है ना, दवा नहीं हो रही है और इसकी वजह से जो है अब नहीं होगी तो फिर बढ़ जाएगा इन्फेक्शन, बढ़ जाएगा कोई इलाज नहीं रहेगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो कौन सा इलाज है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसके लिए क्या दोषी मतलब मान रही है, हमको पूरी बात बताएंगे तो हम आपको ठीक कर। हाँ बाप तो चले गए नहीं, ये नहीं जैसे ये है, इसके लिए किसका दोष मान रही है
आपको ना मान रहे किसका और अपना क्या मान रहे हैं? इलाज तो उनको कराना है, कर्म है हमारा, नहीं तो एक दिन में सुन लेते हैं, नहीं कर्म हमारा नहीं सुन रहे हैं। तो गुस्सा है भैया के ऊपर थोड़ा, अपने ऊपर भी है, अपने कर्म के ऊपर है। कर्म मतलब वही मतलब जैसे हमारा अगर भाग्य अच्छा है तो एक बार कहते जल्दी हर काम छोड़ के लेके आते तो ला देते, इलाज करवा देते हमारा। हमारा कर्म खराब है तो वही कह रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, उनके पास समय ही नहीं है। बस अब देखिए, अब इसने अब अभी बात यहाँ पे आई, केस यहीं पे खत्म हो गया क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अभी बात यहाँ पे आई, बात यहाँ पे आई कि इलाज नहीं होगा तो डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इलाज क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए मैंने पूछा इलाज क्यों नहीं हो रहा है अभी। आप इसके लिए किसका दोष, क्योंकि अब ये अब इसका सेंटर मिल रहा है, अब इसका कंसर्न मिल रहा है, अब ये इसका जो जो है नहीं जो 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 कोर है वो मिल रहा है कि ये जो टोन में इसके हंसी, उसके बाद फिर गुस्सा, फिर उसके बाद ये जो लहर है, इसका कोर मिल रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इलाज इसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। इलाज हुआ ऐसा नहीं है, इलाज हुआ, इलाज इसकी वो एलोपैथिक भी मेडिसिन आई, मुझको रिपोर्ट व्हाट्सएप पे भेज के, मैंने फोन से, मैं बाहर था तो मैंने उसको प्लेसिबो दिया था, उस समय उन्होंने रिपोर्ट भेजी, हमने कहा ठीक है ये दे दो फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा तो अल्लाह के दिखा देना। मेरे आने के बाद भी ये हफ्ते भर बाद आए, तो ये जो है ये गुस्सा क्यों है? ये गुस्सा इसलिए क्योंकि इसका इलाज नहीं हो रहा है। अभी इसका इलाज नहीं हो रहा है तो मैंने पूछा तुम इसके लिए दोषी किसको मान रहे हो, तो ये बोली कि मैं अपने आप को दोषी मान रही हूँ। सुनिए सुनिए सर, इसका इलाज उस इन्फेक्शन का नहीं हो रहा है जिससे ये डर रही है, उल्टी तो सबका हो रहा है। ये क्या बोली कि वो इन्फेक्शन भाई वो खा जाएगा, मर जाऊंगी, बढ़ जाएगा, उसका इलाज नहीं है और उसी का इलाज नहीं हो रहा है। और उसके पति ने क्या कहा कि भाई डॉक्टर साहब आएंगे, जब डॉक्टर साहब के पास लेके जाएंगे तब उसका इलाज कराएंगे। यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके मन में, इसको चाहिए कि उस इन्फेक्शन का तो इलाज हो नहीं रहा है जो खतरनाक है, जो बढ़ जाएगा खा जाएगा, और ये उल्टी पलटी का इलाज कराया है इन्होंने, उसके लिए ये बोल रहा है कि डॉक्टर साहब आएंगे तब लेके जाएंगे ये इसलिए, और इनके पास टाइम नहीं है क्योंकि ये तो काम पे जाते हैं और मेरा इलाज हो नहीं रहा है। ये सब इसके अंदर का इमोशन चल रहा है। अभी आप बोलिए, अभी ये अभी इसके शब्द देखिए, ये शब्द क्या है इसका, पहला शब्द क्या है कि इसके लिए मैं किसको दोषी मान रही हूँ? अपने आप को मान रही हूँ, ये मैं दोषी हूँ। तो रिप्रोचिंग हिमसेल्फ लिया, ठीक है, उसके बाद अपने कर्म को दोषी मान रही हूँ, तो क्या ले लिया, अनफॉर्चुनेट फीलिंग ले लिया, ठीक है ना। लेकिन मैं रुका नहीं वहां पे, मैंने नहीं लिया था ये रूब्रिक, ये आप लोगों ने लिया है, आप लोगों की रूब्रिक में बता रहा हूं ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शब्दों पे मत जाइए उसके भाव को। फिर मैंने वहां पे लेंस लगा दिया, मैं केस टेकिंग करते समय मैग्नीफाइंग लेंस लेके चलता हूं, जहां मुझे लगता है मैं वही लगाता। फिर मैंने कहा नहीं, कर्म को समझाइए, लास्ट में मैंने बोला कि कर्म का मतलब, तो क्या बोली, कर्म का मतलब कि अगर मेरे कर्म अच्छे होते तो ये मुझे ले जाके दिखा देते, मेरा इलाज हो जाता, लेकिन मेरे कर्म ही तो खराब हैं कि जो ये मुझे ले जाके नहीं दिखा रहे हैं। तो आप बताओ कि टाइम नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है। अभी अभी आप बताइए कि दोषी कौन, आप डेलीगेट्स में से लोग बोलें, दोषी उस वो है कि दोषी उसका कर्म है कि वो नहीं ले जाके दिखा रहे, इसमें उसके हस्बैंड को दोष, डायरेक्ट उसने हस्बैंड को कही नहीं। सर नमस्ते सर जी, नमस्ते सर। वो इनडायरेक्टली अपने हस्बैंड को दोषी ठहरा रहा है, मतलब वो इसका हस्बैंड इसका ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए वो इनडायरेक्टली आपको उसी का जो कर्म बोल रहे थे मेरे कर्म खराब है, तो अपने हस्बैंड का द्वारा जो उसका जो सहानुभूति चाहिए, जो उसका इलाज चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, इसीलिए वो अपने अभिमान से बोल रहे हैं कि मेरी तकदीर खराब है, मैं ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा हूँ अभिमान से। हाँ सर, तो ये अभी इसमें कौन सी, अब देखिए अभी इसमें कौन सी रूब्रिक आएगी। मैं केस को यहीं से लेके गया था वापस सर। ईगो, बोलिए। डिल्यूजन नेगलेक्टेड आएगा सर। हाँ सर, डिल्यूजन नेगलेक्टेड, सी इज और ही इज, यही होगा। हाँ सर बिल्कुल,
ये नेगलेक्ट समझ में आया कि अभी अभी ये देखिए इसके इन्फेक्शन को नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसके इन्फेक्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि मामला कहाँ पे है कि इसका जो इन्फेक्शन है अगर वो ठीक नहीं होगा तो ये कहाँ जाएगी, समय इसका खत्म। अभी देखिए अभी यहीं से सेंटर हो गया ना, अभी बोलिए सर। सर सर ये बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि मेरी समय आ रहा है, मैं चला मैं मेरी डेथ हो जाएगी, अपनी को इशारा दे रहे हैं जे जो जब इलाज नहीं होगा प्रॉपर से ठीक से तो मेरी डेथ हो जाएगी। और क्या है उस डेथ को वो सीरियस इतना नहीं ले रहा है, क्या करूं मेरी तकदीर खराब है, वो डेथ को इतना मतलब इम्पोर्टेंस घबरा नहीं रहता, जो डेथ होगा क्या करेगा, मेरे हस्बैंड तो लापरवाही कर रहा है मेरे साथ, क्या करूंगा, लास्ट में तो मेरी डेथ हो जाएगी और क्या, आपको इसी तरह सिग्नल दे रहे सर। डेथ को और डेथ को अफेक्टेशन से हंस के उस बात को थोड़ा सा सर सर हाँ सर ये ठीक है मैम। रूब्रिक वो मेरा चार्ट शेयर कर दीजिए, वो जो मैंने रूब्रिक चार्ट जो मैंने उस समय लिया था तो मैंने इसको उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। हाँ देखिए आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने वो मेडिसिन निकाली है, लेकिन मेरा ये कहना था कि जैसे जो लोग जो रूब्रिक अप्रोप्रिएट है वो चाबी लगा के हम लोग खोलें। और दूसरी चीज ये है कि केस को समझें कि हम यहाँ पे कोई इसलिए नहीं बैठे हैं कि नहीं हमको बहुत अपने आप को इम्पोर्टेंस सिद्ध करना या ऐसा नहीं, हम किस स्टाइल से, क्योंकि सबका स्टाइल अलग अलग है, तो मैं जिससे निकालता हूँ वो उसको समझने की कोशिश करें। इसमें इसमें डिल्यूजन निगलेक्टेड सीज चीज और क्या क्या रूब्रिक है, डिल्यूजन पुअर थ्रू एंड थ्रू है, ये पुअर में किसी को कोई कोई कंफ्यूजन सर, इसका डिल्यूजन सर इसका जो ये हताश हो रहा है सर, जो हताशी दिख रहा है सर, वो उसका डिस्पेयर रूब्रिक लगेगा क्या मेरे सर, मैं तो ये मतलब क्या होता है निराश हेल्पलेस सर, यस सर यस मैडम हेल्पलेस रूब्रिक जरूर लगेगा। अभी वो हेल्पलेस जो होता है वो गुस्सा उसका वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि उसके साथ काम हो रहा है और ये जो है ये अपने पति की तरफ देख रही है उसको, मतलब पति की तरफ से पूरा निराश नहीं है ये, आप जिससे निराश हो जाते हो उस पे वो खत्म हो जाता है, उस पे अधिकार खत्म हो जाता है। एक एक उम्मीद अभी भी कायम है सर, एक एक कोने पे थोड़ा सा उम्मीद है मतलब उसका सर 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 इसको नाराजगी तो है लेकिन अभी इसको उम्मीद खत्म नहीं है पति से। यस सर यस मैडम है ना, यस मैडम नाराजगी लेके बैठी है लेकिन उसको ये लग रहा है कि ये मेरे पर ध्यान पूरा नहीं दे रहे हैं इसलिए नाराजगी है ना, तो अभी हेल्पलेसनेस में गई है ना वो डिस्पेयर में गई है, अभी वो किसी में भी नहीं है, सिर्फ नाराजगी लेके बैठी है और नाराजगी को अफेक्टेशन से छुपा रही है, अपने डर को भी अफेक्टेशन, जो हंस रही है ना हंस रहे हाँ। वो हंसी दिखावा का है मैडम, वो हंसी दिखावा का है, अंदर से हंसी नहीं है, हाइडिंग वाली है। हाँ मैडम सर अभी तो ये जो है अभी तो इसको लाइट दिखा दी गई है ना कि वहां हम ले चलेंगे डॉक्टर साहब के पास, ठीक है, और ये वहीं ले जाने के लिए छटपटा रही है, अभी तो इसको यहाँ जाना है, मेरे पास इलाज के लिए आना था और इसको ये बता ये है कि वहां जाएंगे तो अभी सही हो जाए। जाते समय भी ये लास्ट में बोली इन्फेक्शन वाली दवाई, जो मेरा जब फॉलोअप था फॉलोअप में लास्ट में क्या बोली, इन्फेक्शन वाली दवाई तो आपने दे दी है ना, इसका मेन कंसर्न क्या है, अभी आप इसको इस केस को, मतलब मैं इंट्री मेरी यहाँ से हुई थी, डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड का चल रहा है सेशन, तो मैं इसीलिए उसी के केस से डाल रहा हूँ इसको, इसको इंजरी चालू है 4 साल से, लेकिन वो अभी अभी हम थोड़ा सा इसको जो केस जो रूब्रिक मैंने लिया था मैं उसको इस केस में रेट्रो करता हूँ, इसको वहां से इंजरी चालू है लेकिन ये फ्रिवोलसनेस में पड़ी हुई है। उसके बाद फिर इसको जन्माष्टमी के दिन प्रॉब्लम हुई, उसको इसने इलाबोरेट नहीं किया, उसको मैंने बहुत सोचा नहीं, बहुत उसको मैंने वो नहीं किया कि उस समय क्या किया था, तो वहां से कोई मतलब नहीं लिया, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे जब इसको 22 तारीख को जब इसकी तबीयत खराब हुई और इसके लिए इन्फेक्शन आ गया, इन्फेक्शन इसके लिए नई चीज है,
ठीक है ना, अभी ये इन्फेक्शन को लेकर के ये लटक गई, अभी इन्फेक्शन इसके लिए अजगर हो गया, अभी इसको इन्फेक्शन ये निगलने जा रहा है, अभी आप इसके रेट्रो में जी, अभी आप इसको रेट्रो में लगाइए। हाँ सर, सर ये इन्फेक्शन को लेकर परेशान नहीं रहा है सर। हाँ। इसका मेन मेन उसका थॉट से मेरी इन्फेक्शन कैसे दूर हो जाएगा। बिल्कुल, अभी सर, अभी सर। वो अभी ये उसको लेकर के लटक गई है इन्फेक्शन को, और सर, इसको इसको ये इन्फेक्शन से मौत का डर, मतलब इन्फेक्शन इसको निगल लेगा। और सर, दूसरी चीज अभी क्या है कि इसके इसका इलाज तो हो रहा है, लेकिन इसका इलाज ऑर्डिनरी हो रहा है। ऑर्डिनरी इन द सेंस कि जो स्पेशल स्पेसिफिक उसका ट्रीटमेंट है, जो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है, वो नहीं हो रहा है, ये ऑर्डिनरी तरीके से। तो यहाँ पे एक रूब्रिक बढ़िया सी आती है, वो हम आपको आज थोड़ा सा बताना चाहते हैं। रेट्रो में है ये, मैंने लिया नहीं था वहां पे। ये रूब्रिक है डिल्यूजन बिजनेस परस्यूट ऑर्डिनरी करके, देखिए कौन सा रूब्रिक है, थोड़ा सा डालिए मैम आप, कोई बोले रूब्रिक को, ये रूब्रिक यहाँ पे है कि नहीं है, जिसको ना लगे वो अभी अभी देखिए मुझको काउंटर करने की कोशिश करिए, आप लोग मुझको डिटो करने की कोशिश मत करिए। जो मुझसे सहमत है वो नहीं बोले, जो मुझसे असहमत है वो बोले। डिल्यूजन बिजनेस, डिल्यूजन बिजनेस ऑर्डिनरी दे आर परसुइंग, मतलब दे आर उसको इस रूब्रिक को ऐसे पढ़ेंगे, दे आर परस्यूइंग ऑर्डिनरी बिजनेस, डिल्यूजन दे आर परस्यूइंग ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब उसके साथ जो किया जा रहा है ये उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए था, जिस लेवल का उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था। तो ये इसको लेकर के बैठ रही है, और क्यों ऑर्डिनरी हो रहा है उसको, क्योंकि उसको उसका हस्बैंड निग्लेक्ट कर रहा है। देखिए ऑर्डिनरी क्यों हो रहा है, इसको चाहिए कि इसके जब से इसको ये पता लगा है कि इसको इन्फेक्शन है, अब से इसकी हालत खराब है, और इन्फेक्शन के साथ इसको उल्टी पलटी हो रही है सब हुआ, तो उल्टी पलटी की दवाई तो इसको दी गई है, लेकिन इसके पति ने इसको इन्फेक्शन की दवाई नहीं दिलाई है, और उसके लिए इसने कह दिया है कि डॉक्टर साहब जब शादी में से आएंगे तब डॉक्टर साहब के पास लेके जाएंगे। तो अभी इसको उस इन्फेक्शन को लेकर के प्रॉब्लम है। इसने क्या कहा कि उल्टी की तो दवाई दिलाई, उसकी दवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। तो ये जो चीज है ना, ये इसके लिए ऑर्डिनरी बिजनेस है कि ऑर्डिनरी चीज की दवाई तो मुझको मिल रही है, लेकिन जो मेन कंसर्न है उसकी दवाई तो मुझे मिल ही नहीं रही है। अभी आप बोलो सर। सर म्यूट हो आप, म्यूट सर, म्यूट हो आप। हाँ तो ये केस क्लियर हुआ, इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, बहुत लोगों ने एस्टामोनियम निकाला है और जो है बहुत लोगों ने इसमें कोशिश की है, तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और कांग्रेट करना चाहूंगा जिन्होंने कोशिश की है, जिन्होंने गलत मेडिसिन निकाली है, जिन्होंने गलत